आज फिर हम वापस आ गए हैं आपके लिए, और आज हम बनाएंगे, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं होम सीरीज फ्लेवर फूडी में। तो आज हम बना रहे हैं पहली डिश कस्टर्ड, क्योंकि गर्मी का टाइम है, आम भी हम लेके आए हैं, हमें मिल गए थे, तो उसका प्रोसेस बताएं कैसे बनता है कस्टर्ड, और फिर उसको टेस्ट करेंगे। बहुत ही बढ़िया बनाएंगे आज कस्टर्ड, देखते हैं कैसे बनता है कस्टर्ड। तो दोस्तों देखिए, ये दूध है 1 लीटर, जिसमें से हमने 3/4 रख लिया और 1/4 हमने कस्टर्ड मिलाने के लिए अलग रख दिया, वो अभी आपको दिखाएंगे। और देखिए, तो हमने दूध ये डाल दिया है और ये स्टार्ट कर दिया है इसको बॉईल। जैसे ही आएगा दूध में, हम इसमें डालेंगे शुगर, शक्कर, और फिर हम इसमें डिज़ोल्व करेंगे शुगर को। तो देखिए, हमने इधर सारी तैयारी कर ली है। ये देखिए, फ्रेश क्रीम है, कस्टर्ड पाउडर है, ये हमने शुगर है, ये मिल्क रखा है, इसमें कस्टर्ड मिक्स करेंगे। अभी आपको बताते हैं, ये बॉईल हो रहा है, बॉईल कर रहे हैं इसको। ये देखिए, दूध में बस बॉईल आने वाला है और हम इसमें शुगर ऐड करेंगे, फिर अभी बॉईल आने का हम वेट कर रहे हैं। ये बॉईल हो गया है दूध, बॉईल आ गया, और अब इसमें हमने शुगर ऐड कर दिए, और शुगर डाल के हम इसको 1-2 मिनट करेंगे और बॉईल, जिससे शुगर पूरी डिज़ोल्व हो जाए इसमें अच्छे से। इसको कंटिन्यूस आप हिलाते रहें। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर रहे हैं, ये हमने मिल्क पहले निकाल लिया था थोड़ा सा, क्योंकि गर्म में अगर मिक्स करते हैं तो उसमें गुठलियाँ आ जाती है, इसलिए हम ठंडे दूध में मिक्स कर रहे हैं, जिससे उसमें गुठलियाँ ना हो, और अच्छे से मिक्स करें, गुठलियाँ नहीं आनी चाहिए इसमें। ये हमने इसमें डाल दिए हैं कस्टर्ड पाउडर 3 चम्मच लगभग, ये देखिए, और इसको कंटिन्यूस हिलाते रहें जब तक अच्छे से मिक्स नहीं हो जाए इसके साथ, इसमें गुठली नहीं आनी चाहिए। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए, इसी कंसिस्टेंसी देखिए, मिक्स हो गया अच्छे से। और ये अब हम मिक्स करेंगे इसमें हमारे दूध में, और इसको उसके बाद हम 5 से 6 मिनट और इस पे गैस पे बॉईल करेंगे। इसमें डाल के आप कंटिन्यूस हिलाएं, क्योंकि अगर आप नहीं हिलाएंगे तो नीचे लग जाएगा, नीचे लग जाएगा तो इसका टेस्ट बदल जाएगा, इसलिए आप इसको कंटिन्यूस हिलाएं। ये देखिए, ये देखिए, इसको हो गए हैं 4 से 5 मिनट, और अब इसको हम करेंगे ठंडा, और उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे फ्रूट्स। हाँ, तो दोस्तों ये हमारा ठंडा हो गया है, और अब हम इसमें फ्रूट ऐड करेंगे, तो हम एक एक करके फ्रूट ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले इसके अंदर अनार डालेंगे, ये देखिए, इसमें हमने अनार डाल दिया है। अब इसमें हम ब्लैक ग्रेप्स डालेंगे, आप जैसा भी आपको पसंद है कस्टर्ड, फ्रूट कस्टर्ड, उसके हिसाब से डालें आप, जो भी आपको फ्रूट पसंद है वो डाल सकते हैं। हम ग्रीन ग्रेप्स और ब्लैक ग्रेप्स और स्ट्रॉबेरी, मैंगो हमें मिल गया था जैसे हमने शुरुआत में आपको बताया था, तो मैंगो डालेंगे, स्ट्रॉबेरी हम थोड़ी ही डालेंगे और थोड़े गार्निशिंग के लिए रखेंगे, और ये हमने मैंगो भी डाल दिया। अगर आपको थोड़ा थिक चाहिए तो आप ज़्यादा फ्रूट डाल सकते हैं, हमें लिक्विड चाहिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसे ही रखेंगे, और थोड़े से फ्रूट और डालेंगे, थोड़े ग्रेप्स डाल दो थोड़े से, और ठीक है, ये हो गया। अब हम इसके अंदर क्रीम भी मिक्स करेंगे, ये क्रीम मिक्स करने से, ये फ्रेश क्रीम है, तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा टेस्ट में और अच्छा लगेगा आपको, और थोड़ा सा थिक हो जाएगा ये। देखिए इसका कितना बढ़िया कलर आ रहा है, देखिए,
जरूरत के हिसाब से आपको लगे तो आप और फ्रूट डाल सकते हैं। क्रीम 1 चम्मच और डाल लो। क्रीम हमने इसमें लगभग 2 चम्मच डाल दी है, आप आपके हिसाब से डाल सकते हैं। और हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया, हमने उसे रेफ्रिजरेटर में रख दिया है ठंडा होने के लिए। और ये ठंड देखिए, और ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम टेस्ट करेंगे और बताएंगे कैसा बना है। ये हमारा हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया था और उसको 2 घंटे हो गए हैं और ये सेट हो चुका है, चिल्ड बिल्कुल। और हम इसको अब करेंगे टेस्ट। देखिए इसको दिखाना पास से देखिए, इसको हमने गार्निश कर दिया है पॉमग्रेनेट से, अनार से और स्ट्रॉबेरी से। और इसको टेस्ट करते हैं हम और आपको बताते हैं कैसा बना है। दिखने में तो बहुत लाजवाब दिख रहा है। हाँ हाँ बहुत ही बढ़िया, आपको खाते ही सारे फ्रूट्स का टेस्ट आएगा। जैसे बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते कहीं, तो आप ये बना के खिला सकते हैं, तो बच्चे फ्रूट्स भी खा लेंगे इसके बाद में। बहुत अच्छा है, और जो क्रीम डाली थी उससे एक अलग ही टेस्ट आ रहा है, बहुत अच्छा बना है। और तो ये हमारा बेसिकली घर के खाने का पहला एपिसोड था, पहली बनाया हमने पहला वीडियो। तो आपको कैसा लगा आप बताना, और इसको आप होम सीरीज़ भी कह सकते हैं। और इसमें आप कमेंट करके बताना कि हम नेक्स्ट क्या बनाएं, किस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाएं आपके लिए, क्या डिश बनाएं, तो हम वही कोशिश करेंगे बनाने की। और लास्ट जाते जाते इस स्क्रीन पे हमारा लिंक आ जाएगा, तो उस पर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब का, और आप फेसबुक और इंस्टा पे भी हमें फॉलो कर लें। हम ऐसे बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, और फिर कहीं और मिलते हैं नए टेस्ट के साथ। गुड नाइट, बाय।